रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से बजरंग महतो उम्मीदवार हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो आज नॉमिनेशन करेंगे। बता दें कि बजरंग महतो पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। 31 जनवरी से उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया की आज अंतिम तारीख है। बजरंग महतो नामांकन से पूर्व मां छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद लिया, कहा विकास के पैमाने पर फिर से रामगढ़ जिला को नंबर वन बनाऊंगा। आज नामांकन से पूर्व यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो और कई कांग्रेसी कार्यकर्ता रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। साथ ही जोगिया बाबा मंदिर, महामाया मंदिर, चाड़ू बाबा आदि मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए मत्था टेका। वहीं मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान से पूजा करवाया, साथ ही रक्षा सूत्र बांध कर आशीर्वाद दिया। वहीं उनसे बात करते हुए बताया कि मैं आज रामगढ़ उपचुनाव में नामांकन करवाने जा रहा हूं। लोगों का जनसमर्थन मुझे मिलता है तो रामगढ़ जिला को फिर से नंबर वन बनाऊंगा। साथ ही जनता का सहयोग मिला तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की गति रुकी है वह फिर से आगे बढ़ेगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो के नामांकन में शामिल होने आए प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सहित प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहे, जहाँ नेताओं ने छिन्नमस्तिका मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। आज हम लोग माँ भगवती के जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आज हमारा उपचुनाव का नॉमिनेशन है, सभी हम लोग जा रहे हैं और माता भगवती से भी मांग की है कि सब जनता का सुख सुविधा के लिए, जनता की सेवा के लिए हम समर्पित हैं और हम आगे जनता का सेवा हमेशा करना चाहते हैं। माता का आशीर्वाद लेकर आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता जी हम लोग सभी को आशीर्वाद अपने स्वरूप देंगे, क्योंकि हम सभी कार्यकर्ता जितने हैं हम जाम जनों के सेवा के भाव से हमेशा रहते हैं। मैं इतना ही सर, आज मंदिर आना हुआ, माता जी के दरबार में माथा टेक कर और माता जी से प्रार्थना की है कि आने वाले हमारे जीवन में सुख शांति दे। झारखंड के सभी हमारे जितने भी हमारे झारखंडवासी हैं उनके जीवन में सफलता दे, उन्हें और ज़्यादा उन्हें बरकत दे और साथ ही साथ झारखंड के विकास के लिए। और हाल ही में कांग्रेस पार्टी के लिए माननीय राहुल गांधी जी जो एक तपस्या के रूप में जो प्रयत्न कर रहे हैं उसके चलते देश में एक प्रेम भाव और भाईचारा और मजबूत। देखिए माँ का दरबार है और माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन हम लोग बराबर करते रहे हैं और हमारा तो घर ही रामगढ़ है, तो इस नाते हम लोग बचपन से आते रहे हैं और जब भी कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो निश्चित रूप से माँ का आशीर्वाद लेके जाते हैं। आज हम लोग बजरंग महतो जी के नामांकन में जा रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद लेकर के जाए और इसलिए इस निमित्त हमारे सारे बड़े जो नेता हैं, हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, आदरणीय सुबोध कांत साह जी, बंधु तिर्की जी, जलेश्वर महतो जी, दीपिका पांडे सिंह जी, सभी लोग हम लोग आज माँ के दरबार में हाजिर हुए। माँ से माना की जो आंदोलन की देवी है ममता देवी, उसकी जीत आप सुनिश्चित करेंगे, उसके जो हमारे उम्मीदवार है बजरंग महतो उसके जीत सुनिश्चित करेंगे।